5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू हुआ, पूरा कानून लागू हुआ। 70 साल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो हमने 5 अगस्त को हटा दी। लेकिन भाइयों और बहनों, तभी से एक कांग्रेस वालों में, उनकी मिलीभगत वालों के पेट में ऐसा दर्द उठा है, ऐसा दर्द उठा है कि कोई दवा काम ही नहीं कर पा रही है। ये कांग्रेस के पेट में दर्द, कांग्रेस की लाइलाज बीमारी बन गया है। और कांग्रेस को ऐसी बीमारी हुई है, ऐसी बीमारी हुई है, हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ होने लगती है। हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो कांग्रेस का पेट दर्द इतना बढ़ जाता है कि बस पूछिए ही मत। और जब गलती से कोई बालाकोट का नाम लेता है तो कांग्रेस दर्द के मारे उछलने लगती है, छटपटाने लगती है। अब तो देश भी यह जान गया है कि कांग्रेस को यह दर्द होता क्यों है, किसकी हमदर्दी किसके लिए है। आपने देखा है ना, कांग्रेस के नेताओं के कश्मीर पर जो बयान आए वो बयान किसके काम आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं उसका लाभ कौन उठा रहा है, कहां कहां उसका फायदा उठाया जा रहा है, कहां कहां इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको पता है ना कौन कर रहा है, फायदा उठा रहा है। सही बताया आपने, कौन उठा रहा है फायदा, कौन उठा रहा है फायदा। अब कांग्रेस वालों को जवाब देना चाहिए कि आप ऐसा कैसा बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो जो पाकिस्तान के लोगों को अच्छा लगता है। अरे हिंदुस्तान के लोगों को अच्छा लगे ये बोलने की भी तो हिम्मत दिखाओ जरा। कांग्रेस के नेताओं ने जो झूठे दावे मोदी को घेरने के लिए, उन्हीं दावों को पकड़कर, उन्हीं की भाषा को पकड़कर, उन्हीं की बयानों को पकड़ करके आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अपना केस मजबूत बनाने के लिए इनका उपयोग कर रही है, इनके बयानों का उपयोग कर रही है। मैं हैरान हूं, एक तरफ दर्द और दूसरी तरफ हमदर्द। पाकिस्तान के साथ ये कौन सी केमिस्ट्री है, ये किसकी केमिस्ट्री है, एक केमिस्ट्री किसके लिए है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में आप सबको इसका जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। और मैं कांग्रेस के लोगों को हमेशा कहता हूं, आपको मोदी का जितना विरोध करना है करिए, जितने आरोप लगाने हैं लगाइए, जितना झूठ बोलना है बोलिए, जब तक जनता जनार्दन का आशीर्वाद है मोदी पर तुम्हारा कोई दाग चिपकने वाला नहीं है।
लेकिन कम से कम मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपके प्यार के लिए आपका आभारी हूं। भाइयों बहनों, मोदी को जितना बड़ा बड़ा बुरा जो कहना है कहो, लेकिन कम से कम मां भारती की तो इज्जत करो, भारत माता का तो गौरव करो। सीमाएं ऐसे तो मत ला दो जो देश का नुकसान कर दे। भाइयों बहनों, और इसके साथ ही बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस में भी जो आर्टिकल 370 को हटाने के सबसे मुखर विरोधी है, यही टोली अब हरियाणा को संभालने के लिए आगे आ रही है। आप मुझे बताइए, ये यहां के जवानों का अपमान है कि नहीं है? यहां के शहीदों का अपमान है कि नहीं है? यहां की वीर माताओं का अपमान है कि नहीं? कांग्रेस को हरियाणा के उन माताओं की, उन बेटियों की संवेदना का बिल्कुल ख्याल नहीं है जिन्होंने अपने सपूतों को, अपने सुहाग को, अपने पिता को मां भारती के लिए शहीद होते हुए देखा है। कांग्रेस को हरियाणा के उन वीर सपूतों की भावनाओं से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा के लिए वहां डटे हुए हैं।